First role is for our friendship. Okay. Yay! हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आर न्यू व्लॉग। और अभी जस्ट मैंने एडिटिंग वगैरह सब कंप्लीट करी है और बस व्लॉग चालू करा है। लेट्स सी बाकी लोग क्या कर रहे हैं। नहा धो लिए शीतू? हाँ। वेरी गुड बच्चा बाड़ीज। सुबह सुबह बन्नू ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अच्छा काम किया भाई, एकदम सही काम करा तूने। ये उठी मैं उठी, बस ये बाहर कचरा के वो करने गई। मैं सोची आएगी वॉशरूम जाएगी तो मैं दूसरे वाले में चल जाता हूँ, मैं गेस्ट रूम में चली गई। मैं आई जब तक तो गेट बंद। बढ़िया, मैं झूले पे सोई। झूले पे सोई? हाँ झूले पे सोई मैं। तो तू करने क्या की थी बाहर? अरे वॉशरूम गई थी। हाँ। तो भाई तुम्हारे तो अटैच वॉशरूम में तो फिर सोची आएगी ये सुसु जाएगी तो इसे तकलीफ ना हो, इसलिए मैं उधर में गई। ले क्या हो गया जो? सही है, झूले पे सोई है वो सुबह सुबह आज। अरे यार परेशान हो गए, इनकी खटखट खटखट यार, कभी कुत्ते भौंक रहे, कभी ये खिड़की चौ 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 करती है। रात को ना खिड़की सर सर सर। अरे तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या आजकल? तो फिर आज से घर पे सोना सब ठीक है। और घर पे तो बिल्कुल ही नहीं आएगी, घर पे तो बिल्कुल ही नहीं आएगी, यहाँ पे कम से कम आंख धोनी है। मेरी एक बार भी आंख नहीं खुलती, सीधा सुबह खुलती है, इनको पता नहीं क्या। ब्रेकफास्ट में क्या कर रहे हैं अपन, जूस या दूध या चाय क्या कर रहे हैं? मैं तो अभी पहले वॉलनट्स खाऊंगी फिर जूस लेके आए हैं। फिर जूस नाली ले तो आएंगे ये लोग, चल तू नाले तक फिर मैं जूस। अरे बहुत टाइम लगाते, मैं जाऊंगा जिनके साथ, मैं भी देखूँ कौन जूस वाला है। आया जूस वाले को पहले कॉल कर देंगे, बस लेके आएंगे फिर। ये मंदिर के लिए हम लेकर आ गए थे टेबल, अभी इस टेबल को हम लोग इधर शिफ्ट कर देंगे और ये इधर लगा देंगे। फाइनली इस पे आ ही गए बस, अभी हो गई ना सही। अभी मैं चुपचाप से आ गया हूँ बाहर। अभी इस टाइम पर क्या है, चिया और मीकू वगैरह ना जूस लेने गए थे, तो मैंने यशी को बोला एक छोटा सा काम है, मैं फटाफट से आ रहा हूँ जाके। मैं आ गया हूँ यशी के लिए रोज़ लेने के लिए, आज रोज़ डे है तो रोज़ देना तो बनता ही है। वैसे तो मैंने पता क्या सोचा था कि सुबह सुबह जब वो सो रही होगी तब उठ के जाके ले आऊँगा, लेकिन वो मेरे से पहले जग गई थी तो इसलिए ये प्लान कैंसिल हो गया। तो अभी चुपचाप से उसको बोल गया हूँ कि एक छोटा सा काम है। वो क्या, वो जब मैं उसे बोलता हूँ ना कि काम से जा रहा हूँ तो टोकती नहीं कभी भी। और अभी बाहर निकल तो गया मैं, और सबसे बड़ा टास्क पता क्या हो गया यहाँ पर कि फ्लावर शॉप ढूंढो। अब मेरे उस मानसरोवर वाली साइड भी भी शॉप मेरे को पता नहीं कि कहाँ पर है कहाँ नहीं है, तो मैं घूमते फिरते जहाँ पर मेरे को पता है उस साइड जा रहा हूँ, तो थोड़ा सा दूर हो गया। तो अभी फटाफट से 1.5 किलोमीटर और दूर है, तो फटाफट से उसके लिए रोज़ लेते हैं और चलते हैं। ग्लास के साथ है या वैसे है? हाँ हाँ ग्लास ग्लास के साथ नहीं है। इसमें सारे रोज़ ओपन वाले नहीं लग सकते, जैसे बंद है ना वाइट और पिंक वाले। इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, मेरा फ्लोरिस्ट आएगा वो बनाएगा। एक मिनट मैं ये, हाँ इसमें ओपन है सारे। हाँ, रोज ले लिए। वैसे मैंने सोचा था एक रोज लूंगा, लेकिन मन कर गया उसके लिए थोड़ा सा अच्छा सा कुछ लेने का, इसलिए मैंने ये ऐसा ले लिया। और गाइस क्या रोज की प्राइस हो रही है भाई, 75 रुपीज का ये पतला सा छोटा सा रोज है एक इसमें, बट ये मैंने ग्रुप का लिया ना तो थोड़ा सस्ता मिल गया। चलो अब चलते हैं उसको सरप्राइज़ करते हैं। अभी यशी को सरप्राइज़ देंगे, उसके बाद जब घर जाएंगे तब मम्मी के लिए पापा के लिए सबके लिए एक एक रोज़ लेके जाएंगे। पूरा सामने मेरा फ्लैट और पीछे ही थी शॉप, और मैं इतना घूम कर आया हूँ, हे भगवान। और मुझे लग रहा था कि इधर शॉप हो सकती है, लेकिन मैं देखा कि पता नहीं होगी नहीं होगी, फिर यहाँ से वापस घूम के उधर जाना पड़ेगा, इसलिए मैं उधर चला गया। और इधर ही पीछे चश्मा एक शॉप देखी है, तो चलो मैं मम्मी वगैरह के लिए सबके लिए भी खरीद ही लेता हूँ अभी। यहाँ पर रोज़ बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। आंटी जी कितने का दिया ये 50 का है। हाँ ये 40 का। अच्छा तो ये 50 और 40 में ऐसा क्यों? अब ये है तो आपको। और ये कोई सा भी कलर ले सकता हूँ इसमें? हाँ 50 का। अच्छा कोई सा भी लो। चलो रेड ही अच्छा लगता है, ये दे दो आप मेरे को। 1, 2, 3, 4 दे दो, बड़े बड़े दे दो। सारी फोटो खींच दी? अच्छा धन्यवाद आंटी। मैं बड़ी शॉप पे बिना मतलब गया, आंटी ने इतने बड़े बड़े फ्लावर्स सिर्फ 50 रुपीज के दिए एक, और ये देखो इस पूरे बड़े गुलदस्ते से ज्यादा बड़ा ये लग रहा है। चलो कोई नहीं, आगे से ध्यान रखूंगा, बड़ी शॉप से कुछ नहीं खरीदना, छोटी स्टॉल से खरीदना है, एकदम बेस्ट प्राइस में देते हैं और अच्छी चीज देते हैं। अरे भूल गया कि टेबल लगाई थी यहाँ पर। खुशबू तो आ रही है, और आजकल आर्टिफिशियल वालों से खुशबू नहीं आती। आर्टिफिशियल नहीं है वो, पता है मुझे।
तू रेडी भी होने लगी? यार मैं थोड़ा सा काम कर रही थी, मैंने सोचा थोड़ा काम कर लूं जब तक तू गया हुआ है। चलो वेरी गुड। वैसे तुझे पता था कि मैं रोज लेने गया हूं? हां मुझे पता था। अब वैसे तुझे लगा ही था कि सुबह सुबह कहां जाएगा ये गधा काम करने के लिए। मैं ना मम्मी के लिए भी लेके आया हूँ, काना जी के लिए भी लेके आया हूँ। वाह सो गुड। सबके रोज रखे हुए कार के अंदर, तो अपन जब जाएंगे तब देंगे सबको। सुबह जाके जूस वूस लिया, ये नहीं कि एक रोज लाके दे थी उसको। झूठा है तेरा प्यार, बता सच बता किसके साथ चक्कर चल रहा तेरा? मुझे पता नहीं था कौन सा कलर का पसंद है। मुझे सारे अच्छे लगे। I really love the pink वाला with white shade। मुझे येलो भी अच्छा लगता है, रेड भी अच्छा ही होता है। तुझ बचा सारे मिक्स करा के लिया। सही है। ओए नीट। पता है क्या, मैं अच्छे से दुकान पे गया तो ऐसे रोज मिले। फिर चलते चलते मेरे को एक छोटी सी स्टॉल देखी, आंटी जी, बूढ़ी आंटी जी सेल कर रही, इतने बड़े बड़े रोज। मैं फिर सबके लिए वहां से लेके आया। हाँ सो स्वीट। रोज पे लिखा हुआ है, अ रोज फॉर अ रोज। Oh my God! ले चल तू काम कर ले, वेरी गुड यार। मेरा जूस खाए, वैसे जूस तो पिला दे। वो पड़ा काम हो गया होगा। ऑरेंज लेके आई होगी ना मेरे लिए इस बार? आज मैंने भी कोई भी है गाजर। तुम काम कर लो फिर चलते हैं घर। एप्पल काटियो, एप्पल 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 एप्पल। हैप्पी रोज डे। वेलकम बन गई। ये अच्छी लग रही है, अच्छी ड्रेस है ना? हां तू दे दे। हैप्पी रोज डे। ये सबसे अच्छी ड्रेस लगी थी मेरे को। चलो चले इधर देखना जबरदस्ती। अरे मान जाए करो तू। इनको इनको रोज डे बनाने के लिए मैं यहीं छोड़ के जा रहा हूँ। देख कितने बड़े बड़े रोज हैं। तो बहुत सुंदर है। लो चलो एक छोटा दो रोज लेके चलते हैं। अब तू ऐसी हरकतें करता है ना, उदम करता है, इसलिए दिल्ली रोज नहीं लेके आया। मैं देखे हैप्पी रोज डे खा जाएगा वो। ले ले Happy Rose Day. Thank you, बेटा। मम्मी ने एकदम सेम कलर का वो पहन रखा है, लाल कलर का। अब आप दीदी मजनू को हमने तो दिया तो खा जाता, बच गया ये। Happy Rose Day, भगवान। धूप हो गई ना मम्मी यार, बहुत तेज। हाँ लेकिन अब स्वेटर पहन के रखो, आपको फिर फट से जुकाम लग जाती है। जुकाम लगी हुई है अभी भी। जुकाम तो लगी हुई है। आराम करो चलो। कल शायद चॉकलेट डे ना, कल चॉकलेट लेके आऊंगा आपके लिए बड़ी सारी। फिर परसों टेडी बियर डे तो आप खुद ही हो। वैलेंटाइन डे आ जाएगा 14 तारीख को। हाँ वैलेंटाइन डे पे मैं आपको क्यों दूंगा, मैं कुछ भी नहीं देगा आपको। किसको देगा? यशी को देगा, फ्रेंड को। एमा अरे लिए गुलाब लायो छू मैं काई करू लिखो लिखो ई बाबा ने दीजो। खाना खाने लग बेटा, क्या करूँ इंतजार करके फिर खाना खाने बैठी। अरे वाह क्यूट लग रहे हैं। पर्पल कलर, तूने आज सेम कलर की ड्रेस पहनी हुई थी ना? हाँ अभी थोड़ी देर पहले पहनी हुई थी। आपके लिए रोज, अब मैं रखूँ किधर रोज को? इनके जस्ट पीछे रख दे, जस्ट पीछे। या हैप्पी रोज डे। शाम को अंकल के लिए लेके आऊंगा एक रोज, मेरे बेस्ट फ्रेंड है वो तो। हम लोग फ्लैट पर आ चुके हैं और सूरज को एक इम्पोर्टेंट काम आ गया तो वो मुझे नीचे छोड़ के चला गया। ये लोग अभी खाना खा रहे हैं। एंड गाइस अभी तो हमने आपको बताया ही नहीं, एक्चुअली आज के लिए मैंने कुछ सूरज के लिए बहुत ही स्पेशल प्लान किया है। इस बार मैंने सोचा है कि वैलेंटाइन वीक को मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही मस्त सूरज के लिए। एंड मैंने अ कपल ऑफ सरप्राइजेस प्लान किए हैं। आज का रोजडे का सरप्राइज भी मैंने प्लान किया है और हर्ष आज कॉलेज गया हुआ है बट वो फोन पे रेगुलरली कांटेक्ट कर रहा है। हम लोग बहुत अच्छा था। सूरज भैया बैठे थे जब तू बाहर बालकनी में, उनसे बात कर रही थी। हाँ। सब सुन रहा था मैं, वो तो बन रहे थे आवाज कर ली फोन की। सीरियसली उसे सुना तो नहीं? पता नहीं हमें यार, ऐसे मत करो प्लीज। वैसे तो मुझे उसने नहीं सुना, नहीं सुना बिकॉज उसके शाम के कुछ और प्लान है, मतलब उसको कोई काम है। तो आई होप उसने नहीं सुना, और अगर सुन भी लिया तो अब तो क्या है, छोड़ो। अच्छा जब फिर ठीक है, फिर नहीं सुना उसने तो, क्योंकि वो शाम, मुझे पता है वो शाम को लेट ही आएगा। तो अभी आई एम रियली एक्साइटेड, बहुत मजा आने वाला है। मैंने हर्ष को सारा प्लान समझा दिया और ही इज ऑन इट। मैं सक्सेसफुल हो जाऊँ बस, वो बहुत चंडे, उसको सब पता चल जाता है।
हर्ष का कॉल आया था और उसने डेकोरेशन वगैरह सब कुछ करवा लिया है, लेकिन साथ में सूरज का भी कॉल आ गया। मैं आधे घंटे में फ्लैट आ रहा हूँ यार, चाहिए एक बार जाके ना उसको कॉल करो और पूछ की कितनी देर में फ्री हो रहा है हर्ष। तू कौन हर्ष में? हाँ, क्योंकि अगर वो यहाँ है और उसने टेक देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। उसे कैमरा भी नहीं छुपा सकते ना यार, थोड़ी सी टेंशन है। वैसे डेकोरेशन वगैरह सब कुछ हो चुका है, बहुत अच्छा हुआ है, जैसे मैंने सोचा था वैसे ही हुआ। अभी मेरी हर्ष से बात हुई और उसने कहा कि दीदी मेरा भी ऑलमोस्ट सारा काम हो ही गया है। मैंने उसको कहा कि सूरज आधे घंटे में आ रहा है, तू उससे पहले आना ताकि यहाँ पर उसको कुछ फिशी ना लगे। वो टेक्स तो देखेगा, मुझे बताते वो टेक्स देगा, बट इनकेस वो देख लेगा ना तो मैं उसको ये कह दूंगी कि मैंने मेकअप के टेक्स लिए हैं बस। इससे ज्यादा तो वो ऐसे खोल के तो वो देखता नहीं कि क्या शूट हुआ है, तो मैं इस तरीके से ना कैसे उसको मजा ही लूंगी। आए वो देख नहीं ले, मुझे टेंशन है। कितने देर हो गई, तू कहाँ पे था? Lots of work. Lots of work. खाने खुशबू कहाँ से आ रही है? Actually क्या है, इतने सारे जगह रोज बांट के आने थे मुझे यार, मैं क्या कर रहा है? क्या कर रहे थे तुम लोग? यार सर्दी लग रही है मेरे को तो। सर्दी? काम कर रही थी। चलो कर। आ गई आ गई। हाँ हर्ष आ गई आ गई। उसे बताया कहाँ खड़ी गाड़ी? कॉमन पार्किंग में मिला। तो कॉमन पार्किंग तो ये भी है। क्या बोल रहा है? दीदी आ जाओ एक बार। पूरी मेरी टाई हो आंटी। क्या हुआ? क्या हो गया? रोज़े मेरी जान के टुकड़े। हाँ देखो देखो रोज़े बन रहा, देखो रोज़े बन रहा। अरे तूने प्लान किया रोज़े? ये कैसा लगा? पता है हमने हमने इसको बोला गाड़ी भिड़ गई, टेंशन में क्या? मैंने कहा गाड़ी भिड़ गई और इसकी शक्ल देख के मैं इसको मैं मंत्र याद करते रहा था। मैंने कहा कोई बात नहीं होता है, ठीक है। और मैं ना वहाँ पे मैंने पीयूष भैया को फोन करा, मैं कहा जाओ पीयूष भैया ऐसी एक्टिंग करना जैसे आप मुझ पे चिल्ला रहे हो अभी, तो और नेचुरल लगे नहीं यार। मीकुचिया भी आ रही है अभी। अच्छा उनको पता था और मैं उनको बोल रहा हूँ चलो अंदर चलो, तुम गाड़ी भिड़ गई तो जाके देखनी हो। अरे यार ये ऑल ओवर सडन प्लान बना। कैसा है? बहुत अच्छा, ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। वैसे इसकी जरूरत क्या थी इतना सब करने की? तो क्या हो गया अभी, तू देख वैलेंटाइन वीक चालू हुआ है। ओह माय गॉड, मेरे को सरप्राइज मिलेंगे। देख रहा है देख रहा है, ऐसे डराएगा ना तो तू पिटेगा बहुत बुरी तरीके से। भाई तू गले लग लग के क्या इसको अपना वैलेंटाइन बता रहा है? अरे भाई साहब कल पर तो मैं अगले आज ही मना लेता हूं, काम है। और अपने बीच शांति बनी रहे उसके लिए। एंड थर्ड रोज इज यू लव मी, यू केयर फॉर मी लाइक माई मदर एंड माई फादर। यार मैंने तो देखा, मैंने सुबह सुबह इसको रोज दे दिया, काम में बिजी है, ठीक है सब सही है। गाड़ी का फायदा तो हो गया था भैया। आप ऊपर से भक्के आ रहे थे, मैं आपके पता मेरे कैमरा चालू करा हुआ था। अब मैं इसको बोला अरे दिमाग खराब है क्या? कैमरा रोक दो, कैमरा रोक देना है। गाड़ी में वो आ गई यार नई कार में, मैंने कहा ये टेंशन में होगा, गाड़ी ठुक गई और क्या हो गया, सर दर्द हो गया मेरा यार। आइडिया नहीं रहा ना जरा सा भी? अरे मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया भाई। ये अभी ये कर दिए तो बर्थडे पे और उम्मीद से बढ़ा लेगा। और कुछ नहीं है जो है अभी मैं खुश हो जाए, आज आज में हो गया तेरा बर्थडे, मान लिया मेरे तो हो गया बर्थडे। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है। You like it? ये भगवान क्या क्या कर रहा है, कैसा लग रहा है भाई? बहुत अच्छा। अच्छा? अरे तुम तो रोज से बना रहे हो जैसे मेरा बर्थडे। देख प्लानिंग अच्छी की ना मैंने, बहुत अच्छी की ना। क्या हो रहा है मेरे को बहुत अजीब सा लग रहा है, पहली बार ऐसा हो रहा है। आप हो गई, थैंक यू। और मैं कॉलेज गई था तो ये डेकोरेशन मैंने हर लड़की को दिखा के इम्प्रेस कर लिया। तू तो बड़ा मस्त काम करता है, अच्छे से सरप्राइज दिया यार, ये तो बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड हो गया मेरे लिए यार। वैसे मैंने ना चेंज किया था जिम जाने के लिए, लेकिन मेरा सर दर्द ही ठीक नहीं हुआ दवाई खाने के बाद भी, तो फिर आज का जिम ऑफ कर लिया मैंने। और अभी हम जा रहे हैं इसके घर पे, और भाई स्पेशली ना मैं अंकल को गुलाब देने के लिए जा रहा हूँ, गुलाब दे के उनके साथ में चाय चेस करके। वेयर इज माई अंकल, माई रोज इज वेटिंग फॉर हिम। लेट आएंगे 7:30 बजे बैठे हैं भरतपुर से, 4 घंटे का रास्ता है। और देखो हम लोगों ने
10-10:15 बजे तक तो वेट कर लिया अंकल का नहीं आ रहे, और आंटी फोन पे बात हुई तो कितनी देर बता रहे अंकल? दो ढाई बजे तक आएंगे। दो ढाई क्यों? अभी तक बस ही नहीं मिली थी। हाँ, बस में अंकल ये पक्का झूठ बोल रहा हूँ, रोज डे बनाने गए कहीं पे। वो है ना, अब रात को 12 बजे बाद फिर पोस्टर बना के 2:30 बजे तक आपके पास आएंगे। अच्छा ये बात है क्या? आज देखो चाय पीने का मन नहीं हुआ अंकल के बिना, तो चलो अभी हम चलते हैं घर। आज का व्लॉग भी यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, अगर एंजॉय किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। मिलते हैं कल, बाय।